मतलब जाहिर है कि उमर के लिए हर वक्त हर लम्हा दुआ है और साथ ही साथ हर मौके पर उसकी याद भी है, चाहे खाने पीने का मामला हो, चाहे बाहर लोगों को आज़ाद घूमते हुए देखने का मामला हो, हर वक्त ही इस बात का ख्याल आता है कि जो लोग जेल से बाहर हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितनी बड़ी दौलत है उनके पास, आज़ादी की दौलत है। लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं जी, अभी तक जेल में बंद जी, रिहाई नहीं हो रही है, लगातार अपील की जा रही है, क्या कहना है? देखिए ये तो सिस्टम का, अभी हमने इतनी बातें सुनी उससे रिलेटेड, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के जो दफ़ा लगाई गई UAP वो लगाई इसीलिए गई है ताकि जल्दी बेल ना मिल सके। तो अब इसमें यह है कि कम से कम हमको वैसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की कि मौसम से लेके और हर तरह की दुश्वारियाँ जो कुछ भी हैं जेल के अंदर वो सब झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी बड़ी वो है हमें, जिससे हमें हौसला मिलता है कि वो एक गलत कवानीन के ख़िलाफ़ और ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप एक माँ हैं, माँ का दर्द होता है, किस तरह? यकीनन होता है, लेकिन हिम्मत भी बहुत मिलती है और हमको उम्र से भी बहुत हिम्मत मिलती है। जैसे कि माँ है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ का दुआ का एक तरह से, माँ दुआ करती तो अर्श मिल जाता है, तो बिल्कुल कैसे दुआओं में लोगों से कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी दुआ करें? देखिए हम तो मतलब जाहिर है कि उम्र के लिए हर वक्त हर लम्हा दुआ है और साथ ही साथ हर मौके पर उसकी याद भी है, चाहे खाने पीने का मामला हो, चाहे बाहर लोगों को आज़ाद घूमते हुए देखने का मामला हो, हर वक्त ही इस बात का ख्याल आता है कि जो लोग जेल से बाहर हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितनी बड़ी दौलत है उनके पास, आज़ादी की दौलत है। तो यकीनन मेरी मतलब गुजारिश है तमाम लोगों से कि वो अपनी दुआओं में उमर को बहुत ज़्यादा याद रखें और वो पूरी सेहत आफियत के साथ जल्द से जल्द रिहा हों। लास्ट सवाल, जो लोग नफरत की बात करते हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, उम्र में मोहब्बत की बात की, शांतिपूर्ण तरीके, वो तो सबके सामने है, वो तो सबके सामने है, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ये तो जाहिर है कि ये तो हुकूमत की वो है ना, आप ये समझ सकते हैं कि जो उनकी साइड है वो कुछ भी बात करे लेकिन वो बाहर है, और जो अपोजिट साइड में है वो अगर सही बात भी करते हैं और जो उन पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ को, तो वो उनको उठाकर उनकी आवाज़ बंद करने के लिए जेलों में डाल देते हैं।